दोस्तों आपने कई सारे स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे और आप कई सारे ट्विटर हैंडल पे कुछ लोगों को फॉलो भी करते होंगे जो मोस्टली रेगुलर बेसिस पे बड़े बड़े स्क्रीनशॉट, बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको शो करते हैं। और कई बार आपके मन में ये जानने की इच्छा होती होगी कि ये लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं और किस तरीके से ये कंसिस्टेंटली हर बार ये प्रॉफिट ही निकालते हैं। चाहे मार्केट में सभी ट्रेडर्स लॉस कर रहे हों लेकिन इनका मोस्टली प्रॉफिट ही होता है, और जब भी दिखाते हैं बड़े बड़े MTM दिखाते हैं और बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाते हैं, तो ज़रूर एक मन में इच्छा आती होगी कि कौन सी ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं और उन स्ट्रेटजी में किस तरह से ये प्रॉफिट क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग कम से कम 1 या 1.5 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। चाहे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस उनको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे कि कुछ चीज़ें जो आज के वीडियो के लिए रिक्वायर्ड हैं वो उनके दिमाग में रहनी। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए इस वीडियो को देखने से पहले कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे हम किसी भी चार्ट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको डाउ थ्योरी के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, आपको ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट में कौन सा ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, क्या मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या फिर मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बियरिश मार्केट है या एक रेंज में यानी कि साइडवेज मार्केट मूवमेंट दे रहा है। तो ये तीनों चीज़ों की जानकारी और प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। होपफुली अगर आपको इनकी नॉलेज है तो आप इस वीडियो को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आप इनकी भी एक जानकारी दीजिए, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों मार्केट के अंदर काम करने के लिए कभी भी आप कोई भी स्ट्रेटजी जब क्रिएट करते हैं तो आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ट्रेंड नहीं जानेंगे, जब तक आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं जानेंगे, तब तक आप अपनी स्ट्रेटजी के लिए जो रेंज होती है वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट में इस वक्त अगर मैं एक मान के चलता हूँ कि मान लीजिए मार्केट अभी हाई पे चल रहा है, हाई का मतलब ऑल टाइम हाई नहीं लेकिन रीसेंट के अगर सिनेरियो की मैं बात करूँ तो जो मार्केट ने अभी लो बनाया था 15,200 के आसपास का जो लो बनाया था 150-200 के आसपास, उससे ये लगभग 1,000 पॉइंट ऊपर आ चुका है। दोस्तों इससे पहले भी एक बार 1,000 पॉइंट का मूवमेंट दिया था इसने, जब 16,800 से और 17,800 तक गया था, उसके बाद फिर दोबारा नीचे आ गया था, एक नया लो बनाया था। तो इस वक्त के सिनेरियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड बनता है कि अपसाइड में आकर के ये बैठा हुआ है, तो ऊपर में एक रेजिस्टेंस है अभी 16,300-16,400 के आसपास निफ्टी का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ से और ऊपर जा सकता है, और अगर यहीं से अगर ये पलट जाए तो डाउन साइड में नीचे वाली साइड भी ये जा सकता है। तो अगर आप इसका डाउन साइड की तरफ देखें तो यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न बना सकते हैं आप, यहाँ से ये डाउन साइड जा सकता है एक बियरिश, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ऊपर भी जाए तो माइल्डली बुलिश भी हो सकता है। तो माइल्डली बुलिश और मोस्टली बियरिश, इस तरीके का कुछ इस वक्त पैटर्न एक ट्रेंड मार्केट में इस वक्त है। तो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग दोस्तों आज हम एक स्ट्रेटजी आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। इस स्ट्रेटजी को स्पेशली निफ्टी पर हमने डिज़ाइन किया हुआ है, और ये स्ट्रेटजी मोस्टली जो लोग प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं। इस स्ट्रेटजी में कोई सुपर प्रॉफिट नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 1,000 लगाए और 5,000 कमाए, इस तरीके का मल्टी टाइम्स प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेकिन इस स्ट्रेटजी में लिमिटेड प्रॉफिट मिलता है और रिस्क जो होता है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। आपको सिर्फ ऑप्शन बाइंग अगर आप करेंगे तो अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड रिस्क मिलेगा, लेकिन यहाँ जो हम एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए आपको मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए का अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए, और साथ में जब आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे तो आपको ये मंथली ऑप्शंस पे अप्लाई करनी है, यानी कि निफ्टी में आपको मंथली ऑप्शंस में इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है, वीकली वाले में नहीं करना है। मंथली ऑप्शंस में आप अप्लाई करेंगे और जो प्रीमियम्स हैं वो अकॉर्डिंगली अभी हम आपको लाइव जा करके अपने लैपटॉप पे आपको शो करेंगे किस तरीके से स्ट्रेटजी है, चार्ट कैसा है और किस तरीके से आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, पहली चीज़ तो एंट्री और दूसरी चीज़ एग्जिट। एंट्री तो हम आपको बता देंगे कि एक एंट्री सपोज आपको अगर मंडे को करते हैं तो किस तरह से और किस किस स्ट्राइक में करनी है, कितने प्राइस में करनी है। अब एग्जिट दो तरीके से होती है, या तो कोई अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसकी एग्जिट होती है, या फिर आपका अगर प्रॉफिट आता है तो उसमें आप एग्जिट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको प्रॉफिट के टारगेट्स लगा के रखने हैं। अब क्योंकि आप मंथली ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत बड़े प्रॉफिट की आप पहले से एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि जितने भी प्रो ट्रेडर्स होते हैं ये मोस्टली महीने का 7%, 8%, कभी कभी 5% भी अर्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि महीने के महीने ये लोग 50% और 100% प्रॉफिट अर्न करते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। ये रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं और रेगुलर बेसिस पे
एक कंसिस्टेंट अर्निंग करते हैं, 5 से 7%, 10% तक ये कंसिस्टेंट अर्निंग करते हैं और साल भर में अपने कैपिटल को डबल करते हैं। तो साल भर के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा अमाउंट क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों, अब इस स्ट्रेटजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको जब ये स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है उसके बाद आपको ये एनालाइज करना है कि कितने दिन में कितना प्रॉफिट आपको बुक करना है। अब सपोज़ आप मंडे को अगर आप ये स्ट्रेटजी स्टार्ट कर देते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस स्ट्रेटजी को डे वाइज देखेंगे। डे वाइज का मतलब जैसे सबसे पहले आप 3 दिन के अंदर देखेंगे, 3 दिन के अंदर अगर आपको 1% का प्रॉफिट मिल जाता है तो आप उस प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और इस स्ट्रेटजी को क्लोज कर लेंगे। 1% किस चीज़ का? 1% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल। यानी कि अगर आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए का अमाउंट लगाया है और 3 दिन के अंदर अगर आपके पास 2000 का अमाउंट आ रहा है प्रॉफिट के रूप में तो आप इसको बुक कर लेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप मान लीजिए कि 3 दिन के बाद आप थोड़ा सा और आगे चले, मान लीजिए 1 वीक के लिए आपने होल्ड किया, तो 1 वीक में अगर आपका 1.5 से 2% का प्रॉफिट आ जाता है तो आप 1.5 से 2% का प्रॉफिट यानी कि लगभग 3000 से लेकर के और 4000 तक का प्रॉफिट अगर आपको एक हफ्ते में मिलता है 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे तो आप इसको बुक कर लेंगे। अगर आप 2nd वीक के लिए होल्ड करते हैं, 2 हफ्ते के लिए अगर आप इसे होल्ड करना चाहते हैं तो 3 से लेकर के और 4% तक का प्रॉफिट अगर आपको मिल जाता है यानी कि 6 से 8 हज़ार अगर आपको 2nd वीक में ही मिल जाते हैं तो आप इसको प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। और नेक्स्ट वीक में अगर आप जाते हैं तो 6 से 8 हज़ार तक का प्रॉफिट होगा तो आप उसको बुक कर लेंगे। और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप मंथ के 1st वीक में स्टार्ट करते हैं तो आपको लास्ट वीक से पहले ही अगर क्लोज हो जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि लास्ट वीक में वीगा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और उसको मैनेज करना भी मुश्किल होता है। और जैसे जैसे आप पास आते जाते हैं तो प्रीमियम कम हो जाते हैं, फिर मार्केट का मूवमेंट प्रॉपरली उसमें डिपेक्ट करने लगता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि एक्सपायरी वाले वीक से पहले ही आपकी स्ट्रेटजी क्लोज हो जाए। अब ये तो रही प्रॉफिट टेकिंग की बात, अब आती है प्रॉफिट के बाद अगर आप एग्जिट करना चाहें, लॉस अगर होने लगे, कोई स्ट्रेटजी आपने अप्लाई करी और उसमें लॉस भी होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो अगर आप उस रेंज में होते हुए भी लॉस अगर देखते हैं, 3 दिन के अंदर अगर आपको लॉस होने लगे 1 से 1.5% का यानी 2-3 हज़ार का लॉस दिखाने लगे पहले 3 दिन में ही, तो आपको वैसे एग्जिट कर देना है। इसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अगर आपको 2% का लॉस दिखाने लगे तो उसको एग्जिट कर देना है। और कभी कभी आप सोचेंगे कि अगर गैप डाउन हो गया तो या गैप अप हो गया तो गैप अप और गैप डाउन के कंडीशन में अगर आपको मैक्सिमम 4% का या उससे ज़्यादा का लॉस हो तो आपको एग्जिट कर देना है। यानी कि 2 लाख के आपके डिप्लॉयड कैपिटल पे अगर आपको 8,000 रुपये का अगर लॉस होने लगे तो आपको इस स्ट्रेटजी को एग्जिट कर देना है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली अप्लाई करनी है अगर आपको रेगुलरली और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग बनना है स्टॉक मार्केट के अंदर, स्पेशली निफ्टी ऑप्शंस में। तो ये तो रही प्रॉफिट बुकिंग और लॉस बुकिंग की बात। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट ही बुक करेंगे हमेशा, कभी कभी लॉस भी बुक करना पड़ता है। और लॉस बुक अगर आप सही समय से कर पाएंगे तो नेक्स्ट ट्रेड के लिए आपका कैपिटल सिक्योर रहेगा और अगली ट्रेड में हो सकता है आप 8 से 10 हज़ार का भी प्रॉफिट बुक कर पाएँ। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस मैनेज करना है, मंथली ऑप्शंस में ट्रेड करना है और आपको कंसिस्टेंटली दिन भर आपको मार्केट के सामने नहीं बैठना है, सिर्फ आपको क्लोजिंग बेसिस पर देखना है। ये जो कुछ भी देखना है आपको क्लोजिंग बेसिस पर देखना है। दोस्तों, ये तो रही हमारी बात। अब हम आपको एक्चुअल में ले जा करके दिखाते हैं, लैपटॉप पर ले जा करके दिखाते हैं कि किस तरह से आप इसका चार्ट बनाएंगे, कैसे आप स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, कितना अमाउंट आपको उसमें शो कर रहा है और कितने दिन में आपको स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे सकती है। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि हमने जो स्ट्रेटजी क्रिएट की है इसमें 2 लेग स्ट्रेटजी है, जिसमें हमने 16,200 की एक कॉल को परचेज किया हुआ है और 16,500 की 3 कॉल को हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। टोटल जो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर है वो 21,000 का दिख रहा है इसमें, ये जो कि 12.5% से थोड़ा ऊपर है। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 75% यहाँ पर दिख रही है और जो आपका कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है वो ओनली 1,66,000 हो रहा है। इस स्ट्रेटजी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके जो मार्केट में इस वक्त ट्रेंड क्रिएट हुआ है, जो आपने अपने अकॉर्डिंग ट्रेंड क्रिएट किया है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर अगर बेयरिश का ट्रेंड यहाँ पर माइंड में सोच करके स्ट्रेटजी क्रिएट की है, तो सबसे पहली बात तो मार्केट में अगर हम बेयरिश हैं और मार्केट अगर नीचे जाता है तो हमें ये कहीं भी लॉस नहीं होने देगी और अपनी एक्सपायरी पर ये कभी भी 6,000 से कम का प्रॉफिट नहीं देगी। अगर आप एक्सपायरी तक इसे होल्ड करते हैं तो 6,000 तक का प्रॉफिट आपको ईजिली मिल जाएगा, और उससे पहले भी अगर आप इसे क्लोज करना चाहें तो अगर ये 1 वीक भी अगर ये नीचे चला गया तो आराम से आपके लिए 6,000 तक का प्रॉफिट अर्न करके दे देगा।
और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपके डायरेक्शन के अपोजिट में मार्केट चलना शुरू हो जाए, यानी कि आपने सोचा है बियरिश और अगर ये मार्केट ऊपर की साइड में चलना शुरू हो जाए तो यहाँ से अभी 16,200 के आसपास चल रहा है, 16,200 से अगर ये ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट की जो एबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर 16,200 से लेकर के 16,500 पे अगर मार्केट पहुँच जाता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट शो करेगा 20-21,000 के आसपास, और उसके बाद फिर ये प्रॉफिट का जो नंबर है वो डिक्रीज होगा और 16,700 तक फिर भी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से चलें, या मार्केट आपके अपोजिट भी अगर चलने लगे तभी भी आप कम से कम 500 पॉइंट तक प्रोटेक्टेड हैं। बट यहाँ पर जो एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपने जो स्टॉप लॉस लगाना है वो परसेंटेज के हिसाब से लगाना है। जैसे हमने आपको बताया कि प्रॉफिट तो आपको बुक करना ही है, 3 दिन में अगर 1% मिल जाए, 1 हफ्ते में अगर आपको 1.5 से 2% मिल जाए, 2 हफ्ते में आपको 3 से 4% का मिल जाए तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन अगर ये नीचे की साइड में प्रॉफिट दिखने लॉस दिखने लगे, यानी कि आपने तो ले रखा है बियरिश और ये अगले 2-3 दिन के अंदर एकदम से ऊपर भागने लगे मार्केट, तो जब एकदम से ऊपर भागेगा मार्केट तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लॉस दिखाए। तो अगर 1 से 1.5% तक का अगर आपको लॉस दिखाने लगे तो आपको इस स्ट्रेटजी को एग्जिट कर देना है और उसके बाद फिर नई स्ट्रेटजी दोबारा से हम बनाएंगे, कोई नया लेवल लेकर के बनाएंगे। लेकिन आपको हम आपको ये चीज़ ज़रूर बता देते हैं कि लॉस को आपको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि अगर आप लॉस को कंट्रोल करेंगे तो प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजी तो आपकी बननी ही बननी है। अगर आपने 10 स्ट्रेटजी अप्लाई करी, अगर आप 75% की एक्यूरेसी के हिसाब से चलते हैं तो आपको 7 स्ट्रेटजी में प्रॉफिट होने वाला है, और हो सकता है वो प्रॉफिट 2,000 हो, 4,000 हो, 10,000 भी हो सकता है, किसी किसी में हो सकता है 15,000 का भी हो। सिर्फ हमें अपने लॉस को लिमिट करना है, और ये स्ट्रेटजी इस तरह की स्ट्रेटजी है कि आप इजीली मंथ का 6 से 8% इजीली अर्न कर सकते हैं, 6 to 8% आप मंथली यहाँ से अर्न करते चले जाइए। एवरी वीक 1.5 से 2% का आप टारगेट रखिए, और वीकली एक्सपायरी जिस दिन आए उस दिन आप थोड़ा बड़ा टारगेट भी रख सकते हैं, इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को आप अप्लाई कीजिए, सिर्फ 1.5 से 2 लाख का अमाउंट चाहिए और आप इस स्ट्रेटजी से कंसिस्टेंट प्रॉपर तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। बट अगर आप एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, कम से कम 5 लाख का अमाउंट आप अपने अकाउंट में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एट ए टाइम हमें 2-2, 3-3 अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। हमेशा एक बात जरूर याद रखिएगा कि जब भी आप किसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं तो उस स्ट्रेटजी का कॉज आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्ट्रेटजी मैंने किस लिए अप्लाई की है, कौन सी मार्केट कंडीशन के लिए अप्लाई करी है, और वो मार्केट कंडीशन अगर वायलेट होगी तो मैं क्या करने वाला हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के अगर ट्रेडिंग करेंगे तो कभी भी आप अपने पोर्टफोलियो को नेगेटिव में नहीं पाएंगे, और जितने आप MTM देखते हैं ना ट्विटर पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, जितने भी आप MTM देखते हैं वो सारे MTM एक दिन आपके भी हो सकते हैं। बट आपको कंसिस्टेंटली और स्ट्रेटजी जो बात कह रही है उसी के अकॉर्डिंग और उसी मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कंसिस्टेंटली ट्रेड करते रहिए, और आपको भी एक दिन मार्केट के अंदर स्टॉक ऑप्शंस हों, चाहे वो निफ्टी ऑप्शंस हों, चाहे वो बैंक निफ्टी ऑप्शंस हों, सभी में आपको कैपेसिटी इतनी हो जाएगी कि आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट यहाँ से अर्न करेंगे। दोस्तों अगर ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी और इस तरीके के और भी वीडियोस आप चाहते हैं, इस तरह के और अच्छे अच्छे स्ट्रेटजीज आपके लिए हम बना करके लेकर आएँ, तो हमें थोड़ा मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज के साथ आपके साथ शेयर कर सकें। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।